वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर वासिफ़ जाहिद। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ग्रेट एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट अ उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश फ्रॉम लर्नर पेज नंबर 793। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर फॉर टुडे। पैराग्राफ नंबर 5। मौजूदा सदी में हमारे बड़े बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला माहौलियाती आलूदगी है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू कैन सी, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन दिस सेंटेंस आर नाउन्स। इस जो जुमले में ज़्यादातर अल्फाज हैं वो नाउन हैं, जैसे मौजूदा सदी हमारे प्रोनाउन है, बड़े बड़े एडजेक्टिव हैं, मसाइल नाउन है, फिर बिग जो है या बड़ा ये भी एडजेक्टिव है, मसला नाउन है, माहौलियाती आलूदगी नाउन है। इट मीन्स के इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो हमें इसमें लिंकिंग वर्ब इस एम या आर में से कोई एक पुट करना पड़ेगा, वो इस वजह से क्योंकि फ़िक्रे के आखिर पे हैं का वर्ड आया है, जिसकी वजह से हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब इस एम आर में से कोई एक एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स सी, इन द करंट आर प्रेजेंट सेंचुरी वन ऑफ आवर ग्रेट प्रॉब्लम्स इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम of environmental pollution। ठीक है, ज़्यादा तरक्की पजीर ममालक को ही इस परेशानी का सामना है। स्टूडेंट्स, स्टिल देर इज़ नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, और ये जुमला जो है ये है पे ख़त्म हो रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें लिंकिंग वर्ब भी प्रेजेंट का यूज़ होगा, इस एम या आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मोस्टली द डिवेलपिंग कंट्रीज़, अब यहाँ पर देखें हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिवेलपिंग कंट्रीज़ है, यानी प्लूरल है, तो इसके साथ उसने आर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आर कन्फ्रंटेड विद दिस प्रॉब्लम। हमारे हर बड़े शहर की फ़ज़ा फैक्ट्रियों और ट्रैफिक के धुएँ से आलूदा होती जा रही है। जा रही है फ़िक्रे के आखिर पर आ गया, इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, और आलूदा जो है ये हमारे पास वर्ब है। द एटमोसफेयर ऑफ आवर एवरी बिग सिटी इज़ गेटिंग, अब यहाँ पर देखें इसके साथ गेटिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा है, जो हमने पीछे बात की कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर चल रहा है, तो वो यहाँ पर प्रूव होगी। पोल्यूटेड विद द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज एंड ट्रैफिक्स, सांस लेने में दुश्वारी, यहाँ तक कि आँखों की बिनाई भी धुंधली पड़ गई है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई काम हो चुका होता है या प्रेजेंट में हो चुका होता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, तो यहाँ पर जो है इस जुमले में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। नॉट टू स्पीक ऑफ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, इवन आई साइट आर विजन हैज़ बिकम फोगी, अब यहाँ पर देखें हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जाहिर कर रहा है। हम जिस धरती पर चलते हैं वो ज़मीन भी कूड़ेदान की वजह से आलूदा हो रही है, अब यहाँ पर देखें इसमें दो क्लॉज हैं, हम जिस धरती पर चलते हैं और वो ज़मीन भी कूड़ेदान की वजह से आलूदा हो रही है, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में है चलते हैं, और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है हो रही है की वजह से। लेट्स सी, द अर्थ ऑन विच वी वॉक, अब यहाँ पर देखें वी के साथ वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इजाफा है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो यहाँ पर ये सही साबित हो गया। इज़ आल्सो गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ गारबेज, अब नेक्स्ट जहाँ पर देखें अगले क्लॉज में इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को जाहिर कर रहा है। आलूदा पानी होने की वजह से समुद्री हयात को भी शदीद ख़तरा लाहक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में फॉल करेगा। सी लाइफ इज़ एक्सपोज टू सीवियर डेंजर ऑन अकाउंट ऑफ वाटर हैविंग गॉट पोल्यूटेड, हुकूमत ने अभी तक इस पहलू के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है, अब यहाँ पर देखें ये काम हो चुका है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में फॉल करेगा। द गवर्नमेंट हैज़, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है
वो सिंगुलर था तो इसलिए उसके साथ हमने हैज़ का वर्ड यूज़ किया है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट इवन थाट ऑफ एनी थिंग अबाउट दिस आस्पेक्ट। सो स्टूडेंट, दिस वॉज़ योर लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग ट्रांसलेशन, यू कैन आस्क। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।